स्वागत है आप सभी दोस्तों का डू यू नो चैनल में। दुनिया का सबसे बड़ा सांप। हम मूवीज में अक्सर बड़े बड़े सांप देखते हैं जो इंसानों को निगल जाते हैं। क्या हमारी पृथ्वी पर कभी ऐसे सांप हुआ करते थे? आइए जानते हैं फिर इस वीडियो में। मिलिए फिर टाइटेनोबोआ से। दुनिया में अब तक मौजूद सबसे बड़ा और लंबा सांप। वे 47 फीट या 15 मीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 1200 किलो तक होता है। इसकी तुलना में दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला सांप रेटिकुलेटेड पायथन है, जिसकी लंबाई औसतन 20 फीट या 6 मीटर होती है। टाइटेनोबोआ की खोज पहली बार 2009 में पूर्वोत्तर कोलंबिया के सेरेजोन कोल माइन में की गई थी। शुरुआत में साइट को स्टडी करने वाले पैलियोंटोलॉजिस्ट ने हड्डियों के बड़े होने के कारण वर्टेब्रेट्स को सांप की हड्डियों के रूप में नहीं पहचाना, और यहां तक कि कोयले की लेयर्स के बीच इतने विशाल सांप को देखकर वे भी हैरान रह गए। नॉन एवियन डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने के बाद टाइटेनोबोआ लगभग 58 से 60 मिलियन वर्ष पहले मध्य से अंतिम पेलियोसीन युग के दौरान रहते थे। खोपड़ी की हड्डी की खोज से पता चला कि टाइटेनोबोआ बड़ी मछलियों, रेप्टाइल्स और यहां तक कि मगरमच्छों का शिकार करने में अधिक माहिर था। यहां तक कि प्राचीन रेन फॉरेस्ट के विशाल जीवों में भी टाइटेनोबोआ राजा था। यह अपने युग का टॉप शिकारी था। एक प्राणी निर्विवाद रूप से अपने एनवायरमेंट का शासक था, जैसा कि टायरानोसॉरस रेक्स अपने समय में था। इसके अस्टॉनिशिंग डोमिनेंस ने कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। यदि टाइटेनोबोआ एक्सटिंक्ट नहीं हुआ होता तो क्या होता? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूरी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।